दोस्तों, आज हम लोग जानेंगे कि हम लोग अपनी इच्छा के अनुसार किस तरह से पुत्र या पुत्री की प्राप्ति कर सकते हैं। इसका उपाय भी हमारे धर्म ग्रंथों में बताया गया है। हमारे शास्त्रों में बड़े विस्तार से चीज़ें लिखी हैं। साइंस अभी वहाँ तक नहीं पहुँचा जहाँ तक हमारे शास्त्रों ने बातें लिख दी हैं। हमारे शास्त्रीय ग्रंथों में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि मनचाही संतान के लिए यानी कि पुत्र या पुत्री की प्राप्ति के लिए स्त्री को कब गर्भ धारण करना चाहिए। तो चलिए जानते हैं कि पुत्र की प्राप्ति के लिए कब गर्भ धारण करना चाहिए और पुत्री की प्राप्ति के लिए कब गर्भ धारण करना चाहिए। यदि कोई स्त्री पुत्री चाहती है तो वह स्त्री जब ऋतु स्नान करती है उस दिन से जो विषम दिन होते हैं, विषम संख्या होती है, जैसे कि 1, 3, 5, 7 और कुछ वार, जैसे कि सोमवार, बुधवार, शुक्रवार, शनिवार, विषम संख्या में, विषम दिनों में यदि इनमें से एक भी दिन आ जाए और वह स्त्री उस दिन गर्भ धारण कर ले तो उस स्त्री के बेटी होगी, ऐसा हमारे शास्त्रों में कहा गया है। यदि कोई स्त्री पुत्र चाहती है तो वह स्त्री जब ऋतु स्नान करती है उस दिन से जो सम दिन होते हैं, सम संख्या होती है, जैसे कि 2, 4, 6, 8 और कुछ वार, जैसे कि रविवार, मंगलवार और बृहस्पतिवार, सम संख्या में, सम दिनों में यदि इनमें से एक भी दिन आ जाए और उस दिन वह स्त्री गर्भ धारण कर ले तो उस स्त्री के बेटा होगा, ऐसा हमारे शास्त्रों में कहा गया है। तो आप लोग भी अपनी इच्छा के अनुसार पुत्र या पुत्री की प्राप्ति कर सकते हैं यदि आप लोग इस उपाय को अपनाकर देखें तो। बाकी तो ईश्वर जो अपनी इच्छा से देते हैं उसे ही प्रेम पूर्वक स्वीकार कर लेना चाहिए। उम्मीद है आपको ये ज्ञान पसंद आया होगा। देखने के लिए शुक्रिया।